नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ ये रामचंद्र जी। चेचे मुझे तो इस शहर को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। पुलिस वाले होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाकी पहनकर भी आम आदमी की तरह जी रहे हैं। ये शहर कभी सुधर सकता है क्या? ये तो शुरू हो गए, अब रुकेंगे नहीं। क्या है ना रामचंद्र जी, गुंडों को जेल में बंद करने के दिन चले गए और उनको सैल्यूट मारने के दिन आ गए। सर इस देश को, इस प्रदेश को सुधारने के लिए अब तो भगवान को आना पड़ेगा। भगवान से कुछ नहीं होगा सर, किसी पहाड़ पर पत्थर बनकर बैठा है वो, इंसान बनकर नीचे नहीं आ सकता। एक इंसान ही बुद्ध बने, मामूली गांधी महात्मा बने, मदर टेरेसा महान बनी। जो भगवान से नहीं हुआ वो इंसान ने कर दिखाया। इस शहर को सुधारने के लिए एक इंसान चाहिए, उसको आना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वालों की लिस्ट में पांचवी पोजीशन को हासिल करने वाले थे द ग्रेट इंडियन कृष्ण प्रसाद जी। भारत सरकार की ओर से सम्मानित करने के लिए मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज कम टू द डायस। श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी को मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। माँ का प्यार माँ के ना होने के बाद पता चलता है, देश के प्रति प्यार जब हम देश में ना हो तब पता चलता है। मातृत्व का ऋण तो हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए और सिर्फ अपने देश की सेवा करने की इच्छा रखकर ही मैं इतने पैसे कमा पाया हूं। मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए ही अमेरिकन्स, इंडियंस, इन सबको साथ लेकर ही आज मैं इतना आगे बढ़ पाया हूं। इसीलिए मैं अपने हृदय से इन सभी का आभार प्रकट करता हूं। मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से आधी प्रॉपर्टी हमारे प्रदेश की सेवा के लिए समर्पित करता हूं। क्या हुआ बेटी, मैंने तुम्हें बिना बताए ये डिसीजन ले लिया इसलिए नाराज हो? नो डैड, फर्स्ट टाइम आपने रॉन्ग डिसीजन लिया है ऐसा मुझे लगता है। पापा के प्रति प्यार, मुझे कहीं कुछ हो ना जाए यही डर है ना, क्यों है ना? मेरे लिए ये सेवा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है डैड। टेररिज्म, नक्सलिज्म, फैक्शनिज्म, गुंडागर्दी, इंडिया में ग्रोथ रेट से ज्यादा क्राइम रेट ही तो है डैड। तो क्या यहाँ जान की 100% गारंटी है, ये तो बताओ। इंडिया में टेररिज्म से मरने वालों से भी कहीं ज्यादा यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने की वजह से मौतें हुई थी। अमेरिकन प्रेस सब कुछ छिपा देती है, लेकिन इंडियन प्रेस हर चीज का खुलासा कर देती है। वहां भूख के कारण मरने वाले लोग ज्यादा है और यहाँ मजे के कारण मरने वाले लोग ज्यादा है। इट्स द ओनली डिफरेंस। ऐसी बात नहीं है। नो, तुम आज को देख के डर रही हो बेटा, लेकिन मैं बीते वक्त को याद करके वहां जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकती, पर आप यहीं रहकर ट्रस्ट के द्वारा सेवा कर सकते हैं ना? अगर लोगों के लिए कुछ करना चाहती हो तो लोगों के बीच रहकर करो। पर वहाँ पॉलिटिक्स करप्ट है, पुलिस करप्ट है, पब्लिक करप्ट है, द होल सिस्टम इटसेल्फ इज करप्टेड डैड। यू नो व्हाट डैड, इंडिया में सेवा करने के लिए भी रिश्वत ली जाती है। और वही सुधारने के लिए मुझे वहां जाना है, भले ही उसके लिए पब्लिक और पॉलिटिक्स को बदलना ही क्यों ना पड़े, नए सिस्टम को क्रिएट करना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर संविधान में भी सुधार किए जा सकते हैं। किसी भूखे इंसान को 100 रुपए देने के बजाय वो 100 रुपए कैसे कमा सकता है, अगर हम उसे ये सिखाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कोई आएगा कुछ करेगा, मैं ऐसा क्यों सोचूं? इससे बेहतर है कि वो काम मैं खुद करूं। आई विल फाइट, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, आई विल गो टू एनी एक्सटेंट।
because I love India. I love my motherland. इस पर कितने केसेस हैं? 36 हैं सर। इतने केस होने पर भी गुंडों की लिस्ट में नाम क्यों नहीं है और वहाँ बोर्ड पर फोटो क्यों नहीं है? आप नए आए हैं सर, दो दिन के बाद आप खुद मना करेंगे सर। ओए, अगर ये हमारे भाई का फोटो है या तो ये बड़े पोस्टर में लगना चाहिए, नहीं तो पोस्टल स्टैम्प पे लगना चाहिए, लेकिन पुलिस स्टेशन में नहीं। अच्छा, बोर्ड में लगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पुलिस पर हाथ उठाना जुर्म है। चलो रे। Hey, तलवार निकालो। देखकर लगता है जैसे शेर ने पुलिस का ड्रेस पहन लिया। नो कॉम्प्लीमेंट, ओनली पनिशमेंट। रामचंद्र जी, वापस वही शहर को सुधारने वाला लौट कर आ गया। इस बार मेरा बेटा आया डिपार्टमेंट में रहकर पब्लिक सेवा करने। देखो रामचंद्र, तुम्हारे सपने में आने वाला तुम्हारा बेटा हमारे डिपार्टमेंट में आकर तुम्हारे जैसा ईमानदार वफादार नहीं होना चाहिए, शातिर लोमड़ी जैसा होना चाहिए, जो मिले उसे अंदर करने वाला चाहिए। और जब वो ये वर्दी पहन ले तब उसे वफादारी ईमानदारी जैसी फालतू की कहानियां सुनाकर उसकी जिंदगी खराब मत कर देना तुम। सॉरी सर, जब वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा तो देखना है उसकी फिटनेस क्या है और कितनी चर्बी है उसमें। हर दिन ड्यूटी करते वक्त उतनी ही होनी चाहिए। शरीर के माप थोड़े भी बदल गए या इतनी भी चर्बी बढ़ गई तो वर्दी उतरवा कर रिजाइन करवा दूंगा। ये वर्दी देश का गौरव है सर। इस वर्दी को पहनकर इधर उधर मुंह मारने वालों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं, वो इस वर्दी की मुझसे भी ज्यादा इज्जत करेगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। तू सिगरेट बंद कर देगा तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। चल फूकना शुरू करें। ए, क्या है? जल्दी एक बिस्किट दे। अरे जल्दी देना। ये लो। अरे तूने मेरे दांत। मजा आ गया ना? भैया क्या हुआ बहन? वो मुझे एक हफ्ते भर से छेड़ रहा है, एसिड फेंकने की धमकी भी दी है उसने और देखिए ये लेटर भी लिखा है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। इसमें पुलिस क्या करेगी? तेरे पापा पुलिस में है। इसीलिए गारंटी से कह रहा हूँ, पुलिस वालों से बेहतर तो म्यूनिसिपलिटी वाले हैं, कम से कम शहर तो साफ रखते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करके कुछ दिन में आईपीएस बनने वाला है और तू ऐसी बातें कर रहा है? पापा कहते पुलिस वाला बनूंगा तो सिस्टम बदल दूंगा। फिलहाल सिस्टम बदलने के लिए वहाँ कोई भी माई का लाल नहीं है। पापा ये भी कहते हैं तो अब हम क्या करें? पढ़ना। माय डियर मेघना, एक बेस्ट ऑफर है,
एक घंटा एडजस्ट करके भवानी एरिया में मेरे गेस्ट हाउस में आ जाओ, वरना ना तो तुम बचोगी और ना ही तुम्हारी खूबसूरती। पुलिस के पास जाओगी तो केस दर्ज नहीं होगा, बल्कि वो लोग खुद तुम्हें मेरे गेस्ट हाउस पर लेकर आएंगे। ये है मेरा पावर। इस मजनू की औलाद को तो मैं एक ही झटके में सीधा कर दूंगा, सारी आशिकी भूल जाएगा। ए, तू जाके वोटर लिस्ट निकाल। ठीक है। और तू टेलीफोन डायरेक्टरी ले आ। ठीक है। मेघना नाम की जितनी भी लड़कियां हैं शहर में, उन सबका एड्रेस निकालो, चाहे वो किसी की बीवी हो या बेटी, ऊंची नौकरियां वाली और जिनका ताल्लुक ऊंचे परिवारों से है। इस लेटर का जेरॉक्स करवा के सबके पते पर पोस्ट करो। शहर का टॉप बिजनेसमैन हूँ, मेरी बेटी पर एसिड फेंकने की धमकी देता है, लेटर लिखता है। तो समझता क्या है? पढ़नी उसको चाहिए पर मार ये खा रहा। एसीपी के बहन को लेटर लिखता है। मारो मारो। क्या रे, तू हमको भी लेटर भेजेगा? आज के बाद अगर किसी लड़की को ऐसे परेशान किया तो पावर कट और टावर ब्लास्ट, समझे? थैंक्स भैया। मैंने नहीं पिटा बल्कि पिटवाया, आपको भी यही करना चाहिए था, तो पीटो मत बल्कि पिटवाओ। थैंक्स, आगे से मैं यही करूँगी। आप इतनी जल्दी आ गए? अरे नहीं, आधे घंटे पहले ही आकर तुम्हारे तिलक लगाने का इंतजार कर रहा हूँ। वो तो सिर्फ मरने वाले के लिए करते हैं। अरे बाप रे, यानी तूने मेरा मरना भी तय कर लिया? वो दूध वाला इतना पसंद आ गया? ये क्या कह रहे हैं? ओहो, तो दूध वाला पसंद नहीं आया, यानी ऋतिक रोशन पसंद आया क्या? रुको रुको रुको, फोन करता हूँ। छी छी छी, ऐसा मत कीजिए। अब क्या हुआ, ऋतिक रोशन भी स्टैंडर्ड का नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे पसंद आ गया? वो नहीं मिला इसलिए तो तुमसे। तुम कहना क्या चाहती हो? हर औरत को अपना पति ऋतिक रोशन ही दिखाई देता है जी। ऐसा क्या, यानी मैनेज कर लिया? इसीलिए तो तू मुझे अच्छी लगती है, मुझे मैनेज करना और मैनेज करने वाले दोनों ही पसंद है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जाकर कबर्ड में रख दो। हे भगवान, आपने रिश्वत दी? इसे रिश्वत नहीं कहते, ये तो है गिफ्ट। दोनों एक ही होता है जी, पापा को पता चला तो? तुम्हारे पापा को कैसे मैनेज करना है मुझे पता है। आप मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं जानते जी। अरे तुम्हारे पापा अपने दामाद के बारे में कुछ नहीं जानते पगली। ये कब आए? पापा जी, मैं पहली बार नौकरी से आ रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। मैनेज मत करो, रिश्वत क्यों ली? ये कैसी बातें आप कर रहे हैं ससुर जी, मैंने नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी, अब मैं उसे कलेक्ट कर रहा हूँ, मैनेज करने में प्रॉब्लम क्या है? नौकरी भी? यस, वरना इस डेढ़ फुटियों को नौकरी कौन देता? यस, रिश्वत देकर नौकरी पा ली। और आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, ये कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है, मैं इस घर का दामाद हूँ, क्या बिगाड़ लेगा कोई मेरा? आपने तो बिगाड़ दिया मेरा थोबड़ा। रिश्वत लेने के लिए अपने सगे दामाद अनजान को सारे सबूतों के साथ पकड़वाने के लिए हेड कांस्टेबल रामचंद्र का अभिनंदन करते हुए, दामाद में बदलाव आने के बाद दोबारा ड्यूटी में ज्वाइन करने के अधिकार भी हेड कांस्टेबल रामचंद्र को सौंपा जाता है। दामाद जी, तीन कप किस लिए, एक ही काफी है। ये आपके लिए नहीं है, दादी और बच्चों के लिए है। ये लो, जाकर उन्हें जल्दी से दे दो, मुझे और भी काम है। बूढ़ी के लिए एक कप कॉफी लाने में इतनी देर? मैंने नहीं, आपकी बहू ने लेट किया। और ये क्या, आपने दोनों हाथों में दवाई पकड़ी है? ये खाने के लिए और ये पचाने के लिए। अच्छा, जब पचाना है तो खाती ही क्यों हो, दोनों ही टेबलेट इसमें मिक्स करके पी लो। इन गधों को कितनी बार समझाया? आश्रम है मुए, तेरे पापा यही चाहते हैं। अगर आप घर साफ करेंगे तो लोग क्या समझेंगे? इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं कोई चक्रवर्ती राजा हूँ जो टिक 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 घोड़े पर सवार होकर घूमूं? आहिस्ते आहिस्ते, पापा घर में ही है। रामचंद्र जी, यहाँ हिटलर रहते हैं, तुम्हारे रामचंद्र कहीं और मिलेंगे, जाकर ढूंढ लो। पापा सुन लेंगे। काम वाले हो, काम पर ध्यान दो, बेकार की बातें मत करो, अपने मालिक को बुलाओ। तू मुझे नौकर समझता? आप दामाद है ये मत बताइए, आपकी इज्जत चली जाएगी। ओके मैनेज। आप रुकिए, मैं बुलाती हूँ। पापा आपसे कोई मिलने आया है। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, बताइए। हमारे कॉलोनी के बस स्टॉप पर कचरा फेंक फेंक कर और पेशाब पैखाना करके गंदगी फैला दी है सर। तो कॉर्पोरेशन ऑफिस जाना चाहिए था ना, यहाँ किस लिए? आपको बोर्ड लगाना चाहिए। लगाया था सर, पर ये गधा रोज वहीं पर करता है सर। बेचारे के नसीब में पढ़ाई नहीं होगी। अगर दोबारा उस एरिया में कोई टॉयलेट करता है तो उसके हाथ पैर तोड़ दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर, अगर इस बार आएगा तो आपने जैसा कहा वैसे ही करूंगा। इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा वो, ये बताओ कैसे पहचानोगे उसे, जाकर कोई दूसरा तरीका सोचो। उसके उड़े हुए बाल काफी हैं पहचानने के लिए। अरे जाने दीजिए, उसका पाप उसे खुद ही पकड़वाएगा। तुम क्यों पार्टी बदल कर उसे सपोर्ट कर रहे हो? मैं खुद ही सस्पेंड हूँ, क्या सपोर्ट करूंगा किसी को। ओके सर, ये जो भी है इसे मैनेज करना पड़ेगा। क्या कहा?
आपने सुन लिया क्या? उस फोटो में दूसरा कोई नहीं, तुम ही हो। मैं समझ गया पापा जी, 2 महीने के लिए और सस्पेंड करेंगे ना। ये चाइना वाल से बड़ा और बाकी से छोटा है यार। चुप, बकवास बंद कर। सुनो, ये रुमाल बांधना और नकाब पहनना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हमें पहचान लिया तो? ये सीरियस टॉपिक है। अरे पैसों की चोरी सुना है, जेवरों की चोरी के बारे में सुना, पर ये किस तरह की चोरी है? ए, थोबड़ा बंद कर, गधा कहीं का। पूछने पे मारा या बगल में खड़ा हूँ इसीलिए मारा? जो करने आया है उसके बारे में सोच। ए, चला मत। ये इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? पैर में मोच आया क्या? पैर पे नहीं। अच्छा वहाँ आया है, फिर तो कोई बात नहीं। बकवास बंद करो। ला 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 ला। तू मुझे क्यों नहीं बांधने देता? मेरी प्रैक्टिस हो जाती। अबे इसके लिए अभी बहुत टाइम है, समझा? चल तेरी। ये कैसी आवाज है भाई? कुछ पायल पहन के आया है। ये कुत्ता अपनी दीदी को लेकर क्यों आ रहा है? बिस्किट खाने के लिए आ रहा है। टाइगर क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ उसे तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी ना। चोर! नहीं नहीं, हम चोर नहीं है। चोर नहीं है, चोर नहीं है। एक काम कर भाई, तू कुत्ते को मैनेज कर, मैं कुत्ते की दीदी को करता हूँ। मतलब है कि तू दीदी को मैनेज कर, मैं कुत्ते को करता हूँ। वो कुत्ता नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे शेर बकरी को देख रहा है। लगता है वो बहुत भूखा है यार। ए टाइगर छोड़ना मत इन्हें, एक एक को काट कर खा जा। वॉचमैन गेम बंद कर। नहीं मैं तुम्हें ऐसे टाइम पे कोई कबड्डी खेलता है क्या? रुक मैं सब्सक्राइब करता हूं। छोड़िए जी, भागो 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 भागो। रुको, अरे रुको, कहां जा रहे हो? चलो पीछा छूटा, दीदी से भी और कुत्ते से भी। लड़की से बचकर निकल सकते हो, यही सोच रहे हो ना? बाय बाय। भागोगे? एक भी नहीं बचेगा। मर गए। इसको उल्लू बनाते हैं। घूम जा कल्टी। बाप रे, इसने तो थका दिया। भाई टाइगर तुम्हें नमस्कार, मेरे बगल में देखो। मुझे खा के तेरा पेट नहीं भरेगा, इसे देखो तेरी पूरी फैमिली एक साल तक खा सकती है। हाँ। ए मोटू, इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तू अपनी भाषा में समझा ना। ठीक है। अबे गेट में क्यों चल रहा है? अरे गेट खुला है। अरे जा जाके गाड़ी ले क्या? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बोरी के लिए इतनी मारा मारी? ए संभल के, मैं पावर दिखाती हूँ। इसके सामने तो कुत्ता भी फेल है। करेक्ट। अरे भांडा फूट गया, मुझे पाले। मेरा तो बंद है। चोर इतने हीरो की तरह होते हैं? क्यों प्यार करोगी क्या? पुलिस में कंप्लेन करके शादी भी करवा दूंगी। चोर 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 कहीं का छोड़ूंगी नहीं। गणपति बप्पा हो गया। आ जाओ। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। चाचू आप भी लीजिए, शुगर तो नहीं है ना? तो क्या हुआ सर, आपका बर्थडे है ना? क्या सर, आज के दिन तो छुट्टी ले लेते। चाचू आप बर्थडे पर कहाँ जाते हैं? मैं मंदिर चला जाता हूँ। पापा का मंदिर यही है। चाचू पेट ज्यादा है। अच्छा कम कीजिए। ठीक है, कोशिश आप ही लीजिए, बाकी बांट दीजिए। आप यहाँ के हेड है क्या? मैं ही हूँ, बोलो। पता है मेरे विनायक को कोई ले गया है सर। किडनैप केस है। उम्र क्या है? विनायक यानी गणपति बाप्पा सर। पापा मैं चलता हूँ। ठीक है सूर्या। हाँ उस मूर्ति में मेरी जान बसी है सर। भगवान को बहुत मानती हो। 10 तारीख से पहले चोर को पकड़ लीजिए सर। पर ऐसा क्यों बेटी? उस दिन मेरा इंटरव्यू है ना सर, और उनके आशीर्वाद के बिना जाऊंगी तो कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है मैं उसे पकड़ लूंगा। अगर वो कहीं भी दिखाई पड़े तो मुझे फोन करना। मेरा फोन नंबर है 9885-0404। ओके थैंक यू सर। 9885-0404। रुको मैं भी आया। चलो चलो जल्दी फॉलो करो। कर तो रहा हूँ ना, जल्दी क्या है,
जो कहा है वो करो, फालतू सवाल मत पूछो। अरे उस गली में जाना है, आगे नहीं जा सकता, गड्ढा है। अच्छा ठीक है, कितना हुआ वो बताओ। 200 रुपए। वो तुम्हारा मीटर तो ऑटो से भी 30 भागता है। ठीक है लुटेरी, बढ़िया ही भाषण देने वाली। अभी देखती हूँ। हेलो कौन? सर मैं बोल रही हूँ। लेकिन तुम हो कहाँ? गांधी नगर दूसरी गली में हूँ सर। हाँ वो चोर मेरे सामने ही खड़ा है। तुम वहीं रुको, मैं अभी आया। दीवार से छलांग भी लगा दी। ये तो मेरा घर है। जल्दी अंदर क्या वो? चलिए। अरे कौन हो तुम? ये कौन है जी? हमारे घर पे चोर घुसा है। चोर है? हे भगवान चोर। चलिए चलिए चलिए, मिल गया। क्या हुआ? ये क्या चोरी कर? अरे क्या कह के गई है? दामाजी हमारे घर में चोर घुसा है। पकड़ उस तरफ नहीं, इधर जाओ, इधर है। चोर नहीं, चोर नहीं है। जाओ ना जल्दी। इधर है। सुनिए जी, हमारे घर में चोर घुसा है। मुझे तो सीरियल में भी चोर देखकर चक्कर आने लगते हैं। एक दूंगा भी, तेरे लिए तो चोरी अच्छा है, कम से कम उससे डरती तो है। तुमने जो गहने लाए उसका क्या? अरे तू छोड़ उसे, जा यहाँ से, मैं देखूंगा। चोर घुसा है, पता नहीं क्या लेकर जाएगा। आपके पास लूटने के लिए है क्या? आप जाइए यहाँ से। हे भगवान। हेलो कौन है आप? अरे बोल क्यों नहीं रही कुछ? माँ देखो ना कौन है वो लड़की। नहीं नहीं मतलब हमारे घर में चोर घुसा है। चोर? सुनिए जी ये क्या हो रहा है, ये पूरे घर में घूम रही है, कहीं ये तो चोर नहीं है? तुम भी ना, चलो। एक मिनट, तू अपने आप को कटरीना समझती है क्या, जो अपने बॉयफ्रेंड को चोर बनाकर अंदर बुलाई है? बता कौन है वो। ये आइडिया बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम यही प्लान करूंगी। हटो। ये लड़की तो मैनेज करने में मुझसे भी आगे है। रोड खोद देंगे, बंद नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं करता। वो तो मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ इसीलिए उतर गया, बाकियों का क्या होगा। अरे बाप रे, अगर इसने देख लिया तो कीमा बनाकर रख देगी, इसके सामने कोई ट्रिक नहीं चलती। किधर है? कहाँ गया वो? छोड़ूंगी नहीं, अगर मिल गया ना तो मार मार के लाल कर दूंगी। कहाँ गया वो अंकल? उधर क्या होगा शायद। हाँ चलो चलो चलो। प्रणम सिरसा देवम गुरु क्या करी हो, कोई देखेगा तो क्या समझेगा? अरे मत मारो, मेरे गणेश जी कहाँ है? बताओ जल्दी कहाँ है मेरे गणेश जी? जोर से मचेला, पापा जाएंगे। मेरे पापा यहाँ क्यों आएंगे? अंकल ये देखो, किसी ने मेरे गणेश जी की मूर्ति चुराई है, यही है वो चोर। ए, किसे चोर कह रही है? ये मेरा बेटा है। IPS का एग्जाम दिया है मेरे बेटे ने और तू उसे चोर कह रही है? मेरा बेटा इस शहर के गुंडों को सबक सिखाता है, पुलिस ऑफिसर बनने वाला है ये। भाई आपका शूलेस निकल गया है। भाई भाई मुझे मत मारना भाई। प्रॉब्लम होने के बाद आने वाला नहीं, प्रॉब्लम को पहले से ही जान कर आने वाला ये बलराम जाधव है। ए, ये आजकल धंधा करने वाले, दादागिरी करने वाले कैसे मर रहे हैं? तुम्हारे जैसे लोग जो साथ में रहकर पीठ पीछे छुरी भोंकते हैं, देश के लिए PM सुप्रीम, प्रदेश के लिए CM सुप्रीम और इस विजयवाड़ा के लिए ये बलराम जाधव सुप्रीम है। मुझे मत मार, नहीं मार, मुझे मत, छोड़ दीजिए मुझे। समझा कि नहीं? एक गुलाब का फूल, दूसरी गुलाब का गमला। वारे वाह, बम्पर ऑफर है। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। अजी सुनिए, अंदर क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज। अपनी ताकत बाहर आकर दिखाइए। किसको? ये आया है इस पर। ठीक है आ रहा हूँ। ए, 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 चालू हो जा मेरी माँ। ए, तुझे काट डालूंगा। सर माफ कर दीजिए सर, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। मैं लड़की को बहन मानूंगा और आंटी को माँ मानूंगा, प्लीज छोड़ दीजिए सर। ए, पैर छोड़। ये क्या चल रहा है? वो हमें छेड़ रहा था डैडी, जीजू ने देख लिया। रुकिए, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। आप में इतना फायर है? ओह गॉड, मैंने आपको सस्पेंड करके गलत किया। देखिए यही फायर पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए, कल ही जाके ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।
ऐसा क्या देखा इन्होंने जो कल ही ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह रहे? मैं तो लकड़ियों को काटने आया था, इन्होंने कुछ और समझा और ड्यूटी ज्वाइन करने का ऑर्डर दे दिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ, आज मैनेज कुछ और होना था लेकिन हो गया कुछ और। बहुत दिनों के बाद ये ड्रेस पहनकर मुझे कैसा लग रहा है तुम्हें पता है क्या? क्या हुआ जी, बदबू आ रही है? क्या कहा, तुझे ड्रेस से बदबू आ रही है? इसे धोया नहीं था क्या? मैं समझी इस ड्रेस की आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोल रही है हाउस वाइफ है तू, जवाब दे रही है? थोबड़ा तोड़ दूंगा। भले ही ये ड्रेस पुरानी है लेकिन मेरे लिए नई है, मसल कर रख दूंगा। किसको और क्यों? डायलॉग बोल रहा हूँ, डिटेल्स मांग रही है, दूं क्या? सुन ले, मैं पहले के जैसा नहीं रहा, इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर हूँ। चल जा सामने से चल करा। अब ये क्या मॉडल की तरह से कैटवॉक कर रही है, जल्दी आ। तानाशाह रामचंद्र, मैं आ रहा हूँ। सिक्सर लगा था। सॉरी जीजू। सॉरी के बच्चे, इतने दिनों बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ और तू मुझे बैट से मार रहा है? नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या है? नहीं बदलोगे इस जन्म में, तो नहीं बदलोगे, जाके बर्तन मांजो। हाय। तुम्हारे पापा को मैंने नहीं बताया कि तुम ही चोर हो। इसका मतलब? तुम्हारी पापा की आंखों में सपने हैं, फैमिली मेंबर्स को होप्स है, इसलिए कुछ नहीं बताया। और तुम हो कि खुद को बड़े स्मार्ट समझते हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम पे मरती हूँ इसलिए सुबह सुबह यहाँ चले आए? हाँ देखो, मूर्ति वाला मैटर खत्म हो गया है, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा नाम है सूर्या, मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ, पहचान लिया हो तो पीछे बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगी। मेरी माँ। क्या कहा? अरे मेरी माँ है। सासू। उन्होंने देख लिया तो मुझे मार डाली। चुप बैठे, कुछ तो बाइक पे बैठ जाओ। नहीं नहीं बैठूंगी। पीछे बैठ जाओ, निकल जाएंगे, वरना मैं उनसे कहता हूँ सासू आ इसके मेरे पीछे। आज कल लड़कियाँ धूप से बचने के लिए या किसी और वजह से मुंह ढकती है पता ही नहीं चलता। अरे उन्हें क्या बोलना है, ये सब तो उनके माँ बाप को बोलना चाहिए। अब तुमने यहाँ क्यों रोक दिया, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है तो गणेश जी के दर्शन करने पड़ेंगे। हाँ। वहाँ देखो। थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। नमस्ते। आपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, इतने सालों में जो म्युनिसिपैलिटी वाले और पुलिस वाले नहीं कर पाए, एक छोटे से टिप से आपने यहाँ की पूरी गंदगी साफ करवा दी। सर आपने बहुत अच्छा काम किया सर, थैंक्स। थैंक्स, गणेश जी को कहिए। नमस्कार गणपति पापा, चलता हूँ सर। Okay. भगवान तुम्हारे घर में रहेंगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, और अगर यहाँ रहेंगे तो पूरी कॉलोनी का अच्छा होगा, इसीलिए चोरी की मैंने। एक नई मूर्ति भी तो खरीद सकते थे। हाँ बात तो तुम्हारी 100% सही है, लेकिन तुम्हारे घर की मूर्ति की पूजा पाठ ज्यादा होती थी तो उसमें शक्ति ज्यादा है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। I'm sorry. तुमने इतना अच्छा काम किया और मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। वेलकम टू आंध्र प्रदेश। थैंक यू सर। हमारी विनती मानकर आप हमारे राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, इसलिए सरकार की तरफ से मैं अपने हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्लीज बैठिए। तो कैसा है मेरा आंध्र प्रदेश? आपकी तरह हर कोई आंध्र प्रदेश को अपना समझता तो ये राष्ट्र कब का सुधर गया होता। हम जैसे राजनेताओं से पूछेंगे तो क्या जवाब मिलेगा? अगर सत्ता में रहे तो जवाब देंगे राष्ट्र तरक्की कर रहा है, विपक्ष में रहेंगे तो कहेंगे विनाश हो रहा है। ठीक नहीं है। भले ही आपकी सरकार ठीक काम कर रही हो लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। शायद आप सारे रिपोर्ट्स देखकर ही बात कर रहे होंगे। नहीं, ये सर्वे मैंने करवाए हैं, इनकी रिपोर्ट देख के बता रहा हूँ। यहाँ के सरकारी स्कूल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। मूलभूत संसाधनों की कमी वाले स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हमारे प्रदेश में करीब 80% है। जी मानता हूँ। इंसान को जिस तरह अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है उसी तरह अच्छे इंसान बनने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, लेकिन हमारे प्रदेश में इन दोनों की हालत बहुत खराब है। प्लीज आपको जो परमिशन चाहिए, जगह चाहिए, वो सब कुछ हमारी सरकार देख लेगी। आप जो 1000 acres की जमीन देने वाले हैं उस पर अगर मैं करोड़ों खर्च करके फैक्ट्री खड़ी कर दूं तो कई हजार लोगों को नौकरी मिल सकती है और उससे मुझे प्रॉफिट भी होगा। पर ऐसा करना मेरा इंडिया आकर बिजनेस करना होगा,
सेवा करना नहीं होगा, पर मैं यहाँ पर सेवा करने के लिए आया हूँ। What? Yes, यहाँ का आम आदमी कर्जा लेकर अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में भेजने को तैयार नहीं है। कर्जे के बोझ से दबकर मर जाएंगे ये पता होने के बावजूद आम आदमी कर्जा लेकर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाने को तैयार है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं जाता। और उसकी वजह, यहाँ के सरकारी अधिकारी और राजनेता खुद को पब्लिक सर्वेंट्स बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। मैं खुद इस प्रदेश में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खड़े करूंगा और सारे सरकारी नियमों के अनुसार चलूंगा। जितने पैसों में सरकारी शिक्षा और इलाज मिलता है उतने ही कम पैसों में मैं भी दूंगा, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस प्रदेश का हर व्यक्ति मेरी स्कूल्स में आए, मेरे हॉस्पिटल्स में आए। तब तक आप अपने सरकारी ऑफिसर्स पर दबाव डालें, उन्हें सही तरह से काम करने को कहें। वो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करके सभी सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में उस चीज को अमल में लाएं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हमारे इस प्रदेश में जो सरकारी जमीनें हैं, आप उन पर मुझे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने की इजाजत दें। मुफ्त में नहीं, मैं उन जमीनों के पैसे दूंगा। मैं इसकी शुरुआत अपने जन्मस्थल विजयवाड़ा से करना चाहता हूँ, और मैं आपको वास्तविकता में एक गोल्डन सिटी बनाकर दिखाऊंगा। हमारी सरकार हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये नहीं सुधरेगा। सब लोग यहाँ झुंड बनाकर क्यों आ गए? वाह भाई, हमने जो विजयवाड़ा में जमीन कब्जा किया था ना, कोई एनआरआई आया है, उसे जमीन देने के लिए सीएम का लेटर भी आया है। एक कॉपी टू कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक कॉपी टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक कॉपी टू एमपी, एक कॉपी टू मेयर। जल्दी का टेंशन में थे कि आपको मिली या नहीं। मिलने के बाद हम टेंशन में आ गए। अगर उसे उड़ा देंगे तो हमारा टेंशन जल्दी क्लियर हो जाएगा। वो एनआरआई है, उसे टच करना यानी डायरेक्ट अमेरिका से पंगा लेना हो जाएगा। कितने तरीकों से जीत सकते हो ये बताती है हमारी भगवत गीता। गलती करने वाला कैसे बच के निकल सकता है ये बताता है हमारा इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के रास्ते ढूंढने के लिए ऐसे लॉयर ही चाहिए। सत्या, ये पंचनामा जल्दी खत्म करो। जी सर। ठीक है सर। हे, इसका खून होते हुए किसी ने देखा क्या? हम नहीं जानते सर। हाँ, जरा यहाँ आना। सर सर सर, इस मस्तान की दुकान का मटन अच्छा होता है मैंने सुना है। अच्छा नहीं लगेगा तो खाना बंद कर देंगे क्या? तो चुप रहेगा। जा जाकर 2 किलो पार्सल लेकर आ। देखिए, अभी यहाँ मर्डर हुआ था, अगर किसी ने देखा है तो हिम्मत करके आगे आइए प्लीज। मस्तान भाई, मस्तान भाई, अभी अभी यहाँ एक मर्डर हुआ है, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, प्लीज उसकी गवाही दे दो। या अल्लाह, मैंने किसी को नहीं देखा साहब। मस्तान, हमारे सीआई साहब ने 2 किलो मटन पैक करने के लिए कहा है। ऐसे लालचियों की वजह से हम पुलिस वालों पर कोई भरोसा नहीं करता। वैसे ही मेरे लिए भी। अरे भाई, मेरी बीवी मटन करी बहुत मस्त बनाती है, चलो खाना खाकर आते हैं। सर, एक गवाह मिल जाए तो काफी है। मैं गवाही दूंगी। अरे चलो, बहुत भूख लगी है। सर सर सर, ये बहुत अच्छा मौका है सर। अरे मैं जो कहता हूँ वो करो। तुम्हें क्या लगता है, गवाही दोगी तो वो भारत रत्न दे देंगे तुम्हें? कल को तुम्हारा मर्डर हो गया तब भी ये ऐसी बातें करेंगे? पुलिस वाले के बेटे हो, खुद पुलिस ऑफिसर बनने वाले हो, अप्रिशिएट करने की बजाय रोक रहे हो। अरे वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। ए! देखो क्यों बोल रहा हूँ समझो, पुलिस भगवान नहीं होती, रिश्वत पर जीने वाले लोग हैं वो, उन पर भरोसा करने चली हो तुम। मेरे बोलने पे आपको गुस्सा आ गया, पुलिस के बारे में जनता जो बोलती है अगर वो सुन लिया आपने तो हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। भूख लगती है तो माँ याद आती है, जान पर आती है तो पुलिस याद आती है, भगवान की याद नहीं आती। इनकी टोपी पर लगे 3 शेरों को देखकर इन्हें लगता है ये भी शेर हैं, लेकिन टोपी के नीचे लाखों लोमड़ी और गीदड़ भी हैं। पापा, पुलिस हीरो होती है इस गलतफहमी से, अब बाहर आ जाइए। जो बात 20 सालों में भी नहीं समझ पाया वो 2 मिनट में क्या समझेगा। बेटी, आई रियली अप्रिशिएट यू, तुम रिपोर्ट लिखा दो
मैं उसे अरेस्ट करूंगा। क्या दिखाएंगे आप? आप जैसे सिंसियर ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पुतले बन के बैठे हैं, पुतले। डिपार्टमेंट के बारे में जो गलत फहमी है तुम्हारे सामने, उसे अरेस्ट करके दूर करूंगा। चलो मेरे साथ, चलो। मेरे एब्सेंट में पावर इसी के हाथ में होती है ना। मुझे 104 डिग्री बुखार है, छुट्टी पर हूँ, भाड़ में जाइए। ऑटो सर, मटन 402। यस सर। अपनी शर्ट इसे दे दो, वर्दी में जो हिम्मत और ताकत है वो इसके सीने तक पहुँच दे दो। पहनो इसे, हिम्मत बढ़ जाएगी। इस वर्दी को पहनने से हिम्मत बढ़ जाएगी, डायलॉग अच्छा है। पुलिस बाहर रखवाली के लिए होते हैं, अंदर एंट्री नहीं है। बकवास बंद कर, पुलिस की अहमियत क्या होती है तुझे क्या पता? ये जो गुस्सा निकाल रहे हैं वो मुझ पे। अच्छा, नहीं समझोगे। वहां मर्डर करके यहां मसाज दे रहा है। ओए, वारंट है क्या? वारंट पढ़ भी सकता है क्या? जब बच्चा लात मारता है तो वो बात बुरी नहीं लगती, जब पानी ना हो तो बच्चे की साफ करने के काम आएगा। hey! जब बीच रास्ते पर मारा तभी किसी ने नहीं पूछा और तू सीधे अंदर आ गया। डिपार्टमेंट को ही नहीं पड़ी तो तू क्यों भेजा खराब कर रहा है? पेंशन लेने के बारे में सोचो, बीवियां तुम्हारे इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचती। मुंह बंद कर, मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया, तुझे अरेस्ट करने आया। यही होगा, मैंने समझाया था, पर सुनता कौन है? मैं बलराम जाधव का आदमी हूँ, मुझे लेकर जाएगा तो पूरा शहर शमशान बन जाएगा। नेक्स्ट टारगेट वही है, अगर हम अरेस्ट करना डिसाइड कर लें तो जेल नहीं भरेगा, शमशान भरेगा। सर, एसपी साहब का फोन है। स्विच ऑफ कर दो सर। कह देंगे चार्जिंग नहीं था। रामचंद्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो हम नहीं कर पाए वो तुमने किया है। एमपी केस में जो चार लोग थे उन्हें सस्पेंड करने के लिए प्रेशर आ रहा है, वो चार लोग वही हैं जो तुम्हारे साथ हैं। सर, इन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके सिंसियरली ड्यूटी निभाई है, इनकी जिंदगी मत खराब कीजिए सर, प्लीज। सॉरी बोलकर आ जाओ। कॉल। ये वर्दी पहन के मेरी कॉलर पकड़ी थी ना, अब उसी वर्दी से मेरा जूता साफ कर, तभी तेरे सॉरी को मानूंगा, तभी हर महीने इनको सैलरी मिलेगी। साफ कर। साफ कर। आजा आजा साफ कर, जल्दी, कम ऑन। साफ कर। तूने पापा की शर्ट उतरवाई, अब मैं तेरी चमड़ी उतारूंगा, तब मेरे दर्द का एहसास होगा। पापा, आपकी वर्दी पर 100 स्पीड ब्रेकर हैं, लेकिन मेरी ड्रेस पर ना तो कोई स्पीड ब्रेकर है और ना ही कोई ये पूछने वाला है कि मैंने ऐसा क्यों किया। सजा सिर्फ सेक्शन में लिखने के लिए नहीं होनी चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए। अपने आदमियों को बोल गन फेंक दे। दे दो, दे दो। पापा अरेस्ट कीजिए। ये आपको वर्दी से जूते साफ करने के लिए कह रहा था ना, और आप अपने सीनियर ऑफिसर के डर से इसके जूते साफ करने जा रहे थे, इसलिए मैं आपके डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहता। तेरे पास जूते थे तो पापा को जूते साफ करने के लिए कहा, लेकिन तेरे पास पैर ही नहीं रहेगा तो जूता कहाँ पहनेगा? नहीं, नहीं। अरेस्ट किया तो काले कोट वाले लोग तुझे छुड़ा लेंगे, कोर्ट से तुझे बाइज्जत बरी करा लेंगे। तुझ जैसे हजारों गुनहगार इसी तरह कोर्ट से बाइज्जत बरी होते हैं। तुझ जैसे कीड़ों को हमारा सिस्टम जिंदा रखता है। कोर्ट तक जाने का मौका ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद तुझे। सूर्या सर, मुझे बचा लीजिए सर, मैं तुम्हारे पापा के जूते साफ करूंगा, मुझे मत मारो, मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। एमआरओ फाइल कहाँ है? फाइल मैं दे दूंगा, मुझे अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट कीजिए प्लीज, मुझे मत मारिए। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं,
जनता की सेवा करके यहाँ कोई फायदा नहीं है। एक काम कीजिए ना सर, हमें भी आपके साथ अमेरिका ले चलिए ना। जहाँ तक मैं जानता हूँ सेवा करना तो बिल्कुल गलत नहीं है। बुरा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा करेंगे तो ढेर सारी प्रॉब्लम है। इसका एग्जाम्पल है ये MRO फाइल। ये फाइल आपको देखकर एक अच्छा काम सोचा था, लेकिन क्या हुआ, जान पे खेलना पड़ा, इसलिए मैं जाने की सोच रहा था। वैसे तुम क्या करते हो? IPS पास हो गए हैं सर, पोस्टिंग के लिए वेट कर रहे हैं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पुलिस वाला बनूं, मैं नहीं चाहता। तुम्हारे पापा भी पुलिस में ही हैं? पुलिस वाले हैं, लेकिन क्या फायदा सर? Shut up! तुमने पुलिस वालों को समझ क्या रखा है? टोटल पुलिस डिपार्टमेंट नाकारा हो चुका है सर। छोटे छोटे सांपों को पिंजरे में बंद कर लेता है, लेकिन एक बड़ा सांप होता है जो डिपार्टमेंट को निगल लेता है सर। वो सांप सीढ़ी के खेल में तुम्हें सिर्फ सांप दिखाई दिए, साथ मौजूद सीढ़ी दिखाई नहीं दी। किस तरह जिए ये जरूरी है। अगर हिम्मत है तो सिस्टम बदलो, अगर आग है तो सोसाइटी को बदलो। अच्छाई के लिए लड़ने वाले अन्ना हजारे बनो, अन्याय से लड़ने के लिए अल्लूरी बनो। Either do or die। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कहा, थैंक यू। तुम्हें नौकरी दूंगा तो करोगी? बिना किसी इंटरव्यू के? मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देख चुका हूँ, यू आर एलिजिबल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हे, कौन है तू? हेड कांस्टेबल रामचंद्र। पी के आए हो क्या? पागल जैसी बातें मत करो, अभी शूट कर दूंगा। तुम जैसे लोगों को ठीक नहीं करेंगे तो ये समाज बर्बाद हो जाएगा। पत्नी को फोन करो, अपनी पत्नी को फोन करो। कहिए ना। सॉरी मैडम, मैं हेड कांस्टेबल रामचंद्र। गलत काम करते हुए आपके पति पकड़े गए हैं, एंटी करप्शन वालों ने एनकाउंटर कर दिया है। मर गया ना, मुझे पहले से पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। मना करने के बाद भी रिश्वतखोरी कर रहा है। उन पैसों को अगर ये घर में रखेगा तो मेरे बेटे पर क्या असर होगा? वो किसी को दान कर दीजिए। अब जैसा कहेंगे सर, मैं वैसा ही करूँगी। सुन लिया ना, ये है तुम्हारी पत्नी का ओपिनियन। क्यों ऐसी जिंदगी जी रहा है? पुलिस का नाम सुनकर जिनकी पैंट गीली होनी चाहिए वही पुलिस स्टेशन में आकर पेशाब कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। ड्राइवर में यूनिटी है, रिक्शा वालों में यूनिटी है, भिखारियों में भी यूनिटी है, पर हम पुलिस वालों में कोई यूनिटी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुझ जैसे लुच्चा बदमाश लोग इस डिपार्टमेंट में है इसी वजह से। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मुझसे तमीज से बात करो, वरना शूटआउट का ऑर्डर दे दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं तुझमें, और इज्जत चाहिए तुझे। सोसाइटी में अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो पहले याद आने वाला भगवान नहीं पुलिस है। इंसाफ के लिए भगवान के पास नहीं जाते, पेरेंट्स के पास नहीं जाते, फ्रेंड्स के पास नहीं जाते, पुलिस के पास आते हैं, पुलिस के पास आते हैं। आधी रात को चोर के आने पर, किडनैपर के आने पर, चाहे कोई भी बदमाश आए, हर किसी को एक ही नंबर याद आता है, 100, वो है पुलिस। मेरी जिंदगी में मैंने माँ बाप से ज्यादा पुलिस ये शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता था, उसके पैदा होते ही सोच लिया था, इसलिए IPS करवाया। पोस्टिंग होने से पहले ही वो पोस्ट ही गलत है, तुझ जैसे लोगों को देखकर वो गलत ओपिनियन में आ गया। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, ये बात उसके नस नस में बस गई है। पुलिस पर से भरोसा ही उठ गया, भरोसा नहीं तो जिंदगी ही नहीं। एक क्रिमिनल को बचाकर मेरे बेटे के सामने पुलिस पावर को ही मार दिया, उसने मेरे सपने को तोड़ दिया। वो अब जिंदगी में कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बनेगा। मैं अब इस नौकरी में नहीं रहना चाहता। सर, पुलिस की वर्दी महीने में 30 दिन पहनते हो, कम से कम एक दिन तो डिपार्टमेंट में ईमानदारी से नौकरी कीजिए। कितने दिनों बाद एक पुलिस वाले के भीतर एक बाप की छवि देख रहा हूं मैं। दुष्टों को शिक्षा और शिष्टों की रक्षा का काम इस धरती पर पुलिस वाला ही करता है। मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। लक्ष्मी। क्या हुआ जी? लक्ष्मी, हमारा सूर्य IPS में सेलेक्ट हो गया, इंटरव्यू का लेटर है।
अरे वो लक्ष्मी कृष्णा प्रसाद यहाँ मुफ्त स्कूल्स, मुफ्त हॉस्पिटल्स ना बना सके, इसके लिए कॉर्पोरेटर वालों ने हमें एडवांस भेजा। हमारी कब्जा की हुई जमीन को वापस लेने के लिए हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। कहे कि उससे पैसे भी जुड़े हुए हैं। देखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर। एक सेकंड में ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, वरना तुम लोग गायब हो जाओगे। सेकंड के हिसाब से लोगों को मारते हो और अब इसे मारने के लिए तुम सोच रहे हो? करोड़ों की जमीन चली जाएगी। हाथ आया करोड़ों रुपया छोड़ दें। एक एनआरआई को तो मार नहीं सकते हो और दम भरते हो कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। तेरा हो गया। भाई हाथ में डाल दीजिए तो एस्ट्रे लेकर आता हूँ। हमारी कब्जा की हुई जमीन हमारी नहीं रहेगी, तुम यही सोच रहे हो, पर साल भर बाद हमारा क्या होगा मैं ये सोच रहा हूँ। एक आदमी सरकार के पैसों से यदि मुफ्त में बिजली देता है तो लोग उसे भगवान का दर्जा देकर उसे पूछते हैं, और अब ये एक एनआरआई अमेरिका से आकर मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त अस्पताल, मुफ्त में घर देगा तो क्या कहेंगे लोग? बोलो क्या कहेंगे? अपने सर पर बिठा कर पूजेंगे। हमारे पीछे केवल इस विजयवाड़ा की पुलिस है, पर उसके पीछे पूरी अमेरिका की गवर्नमेंट है। यही सोच रहा हूँ। लॉयर भाई, मैं कैसे उसे मारूं ये मैं सोच लूंगा, पर मारने के बाद मुझे कैसे इससे बाहर निकालना है ये तू सोचेगा। सोच, जल्दी सोच। उसको ऐसे मारना कितना भी सबूत ना बचे तभी मामला स्मूथली निकलेगा, समझे? उसकी मौत हर एक टीवी चैनल में लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए। लक्ष्मी तुम सामने से चल कर। आप जाइए ना। मैं अभी इसे समझाऊं तो पापा जाइए ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। बोलो आगे आ रहे हो, रुको। तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम डिपार्टमेंट के काबिल हो। पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए क्या मायने रखता है? पुलिस की जॉब के लिए फिजिकल फिटनेस, मेरिट फिटनेस ही काफी नहीं है सर। जान पे बना है तो हिम्मत से खड़े रहने की मेंटल फिटनेस और फुर्ती भी चाहिए सर। जिस दिन मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करूंगा तब से लेकर रिटायरमेंट तक आज जो मेरा जज्बा है वही जज्बा हर रोज ड्यूटी पर भी होगा सर। जिस दिन मेरी इस जज्बे में कमी आई उसी दिन मैं रिजाइन कर दूंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गवर्नमेंट के रेट में ही कॉर्पोरेट स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए और शहर को गोल्डन सिटी बनाने के लिए जो हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं वो श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी बात करेंगे। वेलकम सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। हर किसी को अपनी माँ के बाद सबसे ज्यादा अपना गांव प्यारा होता है, लेकिन मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा अगर कोई प्यारा है तो वो है ये विजयवाड़ा। मेरी दो माँ हैं, कृष्णा माँ और दुर्गा माँ। कृष्णा माँ का पानी पीकर और दुर्गा माँ का प्रसाद खाकर आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। इस शहर को एक आइडियल सिटी बनाने का, एक गोल्डन सिटी बनाने का सपना है, यही आशा है और यही इच्छा है। जब गांव में रहते हैं तो जिले का नाम बताते हैं, जब देश में रहते हैं तो प्रदेश का नाम बताते हैं, लेकिन विदेश में जाने के बाद हम सब इंडियन हो जाते हैं, लेकिन दुनिया छोड़ के जाने के बाद उसकी पहचान होती है एक अच्छे इंसान के तौर पर, और आपको वही बनना है। अगर भगवान की सेवा से बढ़कर भी कोई और सेवा है तो वो है अपने आसपास के लोगों को खुशहाल बनाना। अगर कोई भी नजदीक आया तो इसे मार डालूंगा। ये कौन है जानता है? सर उनके बारे में मत बताइए सर, इसे एक और चांस मिल जाएगा। मत बताइए सर प्लीज। वो इस दुनिया के महान इंसान है, अगर उनको कुछ हुआ तो तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। सर क्या हो रहा है भास्कर? प्लान है सक्सेस। वेरी गुड। प्लान वी स्टार्ट।
पाँच मिनट में हेलीकॉप्टर चाहिए। सर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। वरना मार दूंगा। ए, नो चांस, हेलीकॉप्टर बैंगलोर से लाना होगा। कहानी मत सुनाओ, ऑलरेडी दो मिनट्स ओवर, ओनली थ्री मिनट्स, जल्दी डिसाइड करो। हर मिनट एक पुलिस वाला मरेगा और लास्ट में इसे मार डालूंगा। हथियार नीचे फेंको जल्दी। सर सर गन फेंक दीजिए, वो कुछ करने जा रहे हैं, गन फेंक दीजिए सर प्लीज। कौन सा मजहब कहता है कि दूसरे इंसान की जान लो? सारे टेररिस्ट मुस्लिम होने की वजह से ही सारे मुस्लिम्स को टेररिस्ट समझा जा रहा है। तुम जैसे टेररिस्ट की वजह से बाकी मुस्लिम्स के साथ क्या सुलू किया जा रहा है कभी सोचा है तुमने? मुस्लिम्स की तकलीफों की वजह कोई और नहीं बल्कि तुम ही लोग हो। कायर कम ऑन अरेस्ट हिम। नहीं छोड़ूंगा। प्लान के हिसाब से निशाना टेररिस्ट होगा, लेकिन गोली कृष्ण प्रसाद को लगनी चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं बाबा, पापा मैं आईपीएस में सेलेक्ट हो गया। हाँ पापा। नहीं ऐसे ऐसे बेईमान बेईमान पुलिस की नौकरी मत कर, मत कर। पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चलिए पापा। इन सब के पीछे सीआई का हाथ है। श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी को बचाने के लिए जेल से भागे हुए टेररिस्ट पर जो गोली चलाई गई, दुर्भाग्यवश उस गोली से कृष्ण प्रसाद जी की मौत हो गई। उसके साथ ही हमारे कर्तव्यनिष्ठ हेड कांस्टेबल रामचंद्र भी वीरगति को प्राप्त हुए। ये डिपार्टमेंट का बड़ा नुकसान है। श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी का और हेड कांस्टेबल रामचंद्र जी का सरकारी तौर तरीकों के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, ऐसा आदेश देता हूँ। लड़की की सलामती चाहते हो तो बंदूक नीचे करो। चलो मूव, नीचे हटो। कोई भी मेरे पीछे मत आना। श्री लक्ष्मी कृष्णा प्रसाद जी और हेड कांस्टेबल रामचंद्र जी का सरकारी तौर से क्रियाक्रम चल रहा था तो सूर्या ने मंजुला को किडनैप किया। हो गया तेरा? तो वो डाउट अभी नहीं आना चाहिए था। किडनैप के तुरंत बाद आना चाहिए था। तो बताइए ना क्या करें, क्या करें बताइए। ए मेयर, मार खाने के बाद भी देखो समझ में नहीं आ रहा क्या? भाई ने मैटर सेटल कर दिया है। ए, कैसा है तू? डर लग रहा है। डर लग रहा है? अब नहीं लगेगा। सूर्या की गोली लगने की वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी और इनकी डेथ हो गई। उसे पकड़ना हमारे डिपार्टमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
दो मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके मोबाइल से उसे ट्रेस कर लेंगे। हेलो हेलो रजो। सूर्या तुम पागल हो गए क्या? जिसे किडनैप किया है वो अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर है। शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। पहले से ही हम पापा को खो चुके हैं। अब तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज सरेंडर हो जाओ। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। क्या बात है, पुलिस कमिश्नर मेरा पीछा कर रहा है और साथ में कलेक्टर और एमपी भी आए हैं। यानी इस लड़की की जान की कीमत तुम लोगों की नजरों में बहुत है। मेरे पापा का खून किसने किया, क्यों किया, जब तक ये पता नहीं चलता तब तक ये लड़की मेरे कब्जे में ही रहेगी। समझे? समझे कि नहीं? मारते इसके बाप की तरह सेवा करने या इसे बचाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। मारने आए हैं। मारते क्यों रे? तेरे बाप को मारने वाले के बारे में जानकर तू हमारा क्या उखाड़ लेगा? हमने ही मारा है। सेवा करने का इतना ही पागलपन है तो जाकर कोई अनाथाश्रम खोल ले। पर तेरे बाप ने हर चीज फ्री में देगा कहकर हमारी नींद उड़ा दी। मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमारी कब्जा की हुई बेशकीमती जमीन पर कॉर्पोरेट कॉलेजेस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़े किए थे और वो तेरा बाप सेवा नाम के बम के साथ आ गया। साहब ये बचना नहीं चाहिए, ये बहुत खतरनाक इंसान है। कहानी क्या सुना रहे हो? मार दो इसे। अरे चुप। टेररिस्ट के नाम पर तेरे बाप को और इसके बाप को मैंने ही मारा था। अब सीएम को, हाई कोर्ट जज को और जनता को भी ये बात पता चल गई कि खूनी तुम हो। मेरे फोन को तुम लोगों ने ट्रेस आउट नहीं किया, मैंने तुम लोगों को ट्रैप किया है अपने फोन से। जरा उधर देखो। उन सबको पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं? लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। उसे रोको भाई। समझी नहीं, यहाँ के जेल 5-स्टार होटल्स हैं। यहाँ सजा नहीं मजा होता है। इनको सजा दिलाने के लिए नहीं, इनको खत्म करने के लिए मैंने ये प्लान किया था। तब तो तुम भी क्रिमिनल माने जाओगे। मेरे पापा को इन्होंने मारा सिर्फ इसलिए इन्हें नहीं मार रहा हूँ। मेरे पापा की बस एक इच्छा थी कि मैं IPS बनकर इस शहर को एक ऐसा शहर बनाऊं जो साफ सुथरा हो। इनको खत्म कर दूंगा तो ये शहर साफ सुथरा हो जाएगा और मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए अगर मैं गुनहगार भी बन जाऊं,
या मर भी जाऊं तो परवाह नहीं। वेट अ मिनट सूर्या, क्या मेरे पापा के सपने नहीं थे? उनकी आत्मा को शांति नहीं चाहिए? आधी सिटी नहीं, पूरी सिटी को ठीक करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ट्रस्ट मी प्लीज। कुछ दिन पहले इन पांच मुजरिमों ने अपने किए सारे अपराध कबूल कर लिए हैं और इसके साथ ही इनकी वीडियो क्लिपिंग्स भी इस न्यायालय ने देख लिया है और उसी आधार पर इन सबको भारतीय कानून के हिसाब से आईपीसी सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसी आधार पर सूर्या को निर्दोष मानकर अदालत उसे रिहा करती है। Excuse me, Your Honor. कहिए क्या बात है? I have a request. आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। Thank you, sir. Your Honor, मेरे पापा के कातिलों को आपने सजा दी है। I'm very happy. पर मुझे इंसाफ कहाँ मिला? Your Honor, I want compensation. You mean? I want justice. आप थोड़ा साफ साफ कहिएगा। I lost my father. वो मेरी जिंदगी में सब कुछ थे। What do you want? पूरी इंडिया में एक डेढ़ घंटे का लाइव प्रोग्राम रखा जाए, 4 states के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाए और इस दरमियान कोई और प्रोग्राम नहीं चलाया जाए। सर, आई नीड योर परमिशन फॉर दिस सर। मतलब? मेरे पापा के बहुत बड़े सपने थे और मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस देश के संविधान को बचाने वाले 4 मुख्य स्तंभ हैं, पार्लियामेंट, मीडिया, शासन व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट बेंच। इन सब के सामने मैं अपने विचार व्यक्त करूंगी, उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए सर। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थैंक यू ऑल सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। आई एम मंजुला, डॉटर ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद। मेरे पापा विजयवाड़ा में ही पले बड़े थे, अमेरिका में करोड़ों रुपए कमाए, विजयवाड़ा सिटी को गोल्डन सिटी में बदलने के लिए बहुत सपने देखे थे, पर उन्हें जान से मार दिया गया। मुझे सरकार और कानून नहीं पता, पर मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पापा का खून, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोगों को फैसला करना चाहिए। मैं आज आप सबसे एक विनती करना चाहती हूँ। मेरी मांग शायद आपको अनरीजनेबल लग सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इट्स पॉसिबल। मेरे पापा के सपने पूरे करने के लिए, उनके सपनों के शहर को मैं 3 महीनों के लिए अनकंडीशनल लीज पर मांगती हूँ सर। आपकी मांग संविधान के खिलाफ है। संविधान में कुछ सुधार हो इसीलिए तो मैं आपके सामने ये मांग रख रही हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, इस शहर को, भारत देश को नंबर 1 बनाने के लिए ये मांग रख रही हूँ। आप जो मांग कर रही हैं गलत है। इस देश के एक प्रांत को देश से अलग करके किसी एक को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इसी तरह एक सिटी को 3 महीने के लिए लीज पर देना भी असंभव काम है। तकरीबन 200 साल पहले ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट है, ये भी किसी को पता नहीं था। वही ऑस्ट्रेलिया आज कहाँ पहुँच गया है और 10,000 साल का इतिहास रखने वाला ये इंडिया आज किस हालत में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो चुका जापान आज कहाँ पर है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर सिंगापुर नाम का एक छोटा सा द्वीप बिजनेस वर्ल्ड में हाईली डेवलप है। कैसे हुआ ये? सर, आपको कारण पता है लेकिन बताएंगे नहीं। आजादी के बाद आपने अपनी राजनीति को बचाने की मेहनत की है, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश में कभी हाथ नहीं बटाया आपने। आजादी मिलने से पहले ही घोटाले शुरू करके काला धन छुपाया आपने। एक NRI को अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो विदेश में रहने वाले NRI अपने गांव जाकर डेवलप करने के बारे में कैसे विचार कर सकते हैं? मेरे पापा की मौत को लेकर दुनिया के सारे देशों को जवाब देना ही होगा। इंडिया क्या सबके सामने इसी तरह चुप रहेगा? मैं 3 महीने के लिए शहर पर लीज पर लेना चाहती हूँ, सिस्टम को ठीक करने के लिए, संसद कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए, टोटल सोसाइटी को बदलने के लिए। पूरे 3 महीने तक विजयवाड़ा के परिपालन का हक मुझे चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेरे अंडर काम करना होगा। संविधान में सुधार के लिए मैं एक सुप्रीम पोस्ट की आज मांग करती हूँ।
अगर मेरी वजह से कोई नुकसान होता है तो महीने के 1,000 करोड़ के हिसाब से 3 महीनों के लिए 3,000 करोड़ डिपॉजिट करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पेन एंड टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन। जैसे मैंने अपने पापा को खोया है वैसे ही सूर्या भी अपने पापा को खो चुका है। अगर मुझे आप एक अथॉरिटी देते हैं सूर्या मेरे साथ ही रहकर कंप्लीट नेटवर्क को चलाएगा। सिटी को लीज पे मांग रही है जैसे किसी घर को रेंट पे मांग रही हो। गांव की प्रगति देश की प्रगति मानी जाती है। कुछ सालों पहले कुछ गांवों को गोद लेकर गांव की प्रगति की गई थी, उसी तरह विजयवाड़ा शहर को अगर लीज पर दिया जाए तो इसमें गलत क्या है? अरे कल तक पौंडीचेरी भी तो दूसरे देश के हाथ में भी तो था ना। अनाथ को दत्तक लेते हुए देखा है, बच्चों को भी दत्तक लेते हुए देखा है, लेकिन शहर को दत्तक कैसे ले सकते हैं भाई? यहाँ पर तो कमिश्नर कलेक्टर सरकारी लोग ही खून कर रहे हैं। अगर हमें बचना है तो ऐसे लोगों को सिर्फ 3 महीना नहीं 3 साल के लिए भी लीज पर देना गलत नहीं है। गलत नहीं है शायद, पर ये लोग सही करेंगे इसका क्या भरोसा? अगर ये गलत करते हैं तो इन्हें सजा दी जाएगी, ऐसा कोर्ट कह सकता था ना। ये लोग एक ही रात में हीरो बनना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी हमारे देश में यानम को इसी तरह डेवलप किया। इन द सेम मैनर द रेजिडेंट्स लाइक दमन एंड दीव पॉन्डिचेरी गोवा आर स्टिल इन द सेम पोजीशन दे वर डिसाइडेड टू द सेंट्रल। ब्रिटेन ने हांगकांग को 99 साल लीज पर लिया था, ये रहे उसके पेपर। भारत के इतिहास में पहली बार एक नए अध्याय की ओर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बेंच। अपने पिता को खोने के कारण मंजुला को जुर्माने के रूप में उनके मांगे हुए हिसाब से 3 महीने तक विजयवाड़ा को लीज पर दिया जाए, ऐसा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सूर्या मंजुला नाम के हम, सूर्या और मंजुला नाम के हम, भारत के संविधान कानून को मान्यता देते हुए, भारत के संविधान कानून को मान्यता देते हुए, उसका उल्लंघन नहीं करते हुए, उसका उल्लंघन नहीं करते हुए, विशेष अवसर पर दिए गए इस राष्ट्र के आदेश पर, विशेष अवसर पर दिए गए इस राष्ट्र के आदेश पर, हमें 3 महीने के लिए दिए गए विजयवाड़ा शहर की इस लीज को, हमें 3 महीने के लिए दिए गए विजयवाड़ा शहर समानता से पालन करेंगे और किसी गलत काम को नहीं करेंगे, पालन करेंगे और किसी गलत काम को नहीं करेंगे। हम शपथ लेते हैं। आपका बेटा आपकी तरह एक अच्छा ऑफिसर ही नहीं, इस सिस्टम को बदलने की ताकत बन गया है। आपकी इच्छा पूरी हो आप ऐसा आशीर्वाद उसे दीजिए। I'm going to really miss you, Dad. अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हम रहें या ना रहें हमारी अच्छी नीयत की वजह से बाकी लोग हमारे साथ जुट जाते हैं। वैसी ही मेरी भी सोच है। मेरा सपना, मेरी आशा, मेरा विश्वास सब कुछ इसी में है। ए रुक, आ गया। काम धंधा कुछ नहीं, सब बैठ के खाता है, शर्म नहीं आती तुझे? सही कह रही है माँ जी। ये बुड्ढी कुछ ज्यादा ही डायलॉग मार रही है, लगता है इसे साइलेंट करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा इसका गोविंदा गो। इस प्रोसीजर में मैं करंट शॉक दे दूंगा तो इस बुड्ढी का टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गोविंदा। हाय। हाय सूर्या, कहाँ है? हाँ है अंदर, आओ ना। ओके। है? किस करने के लिए? घर में कोई नहीं क्या? आज क्यों इतनी स्पीड में हो? वो अरे उरे तेरी, अरे बाप रे, दरवाजा खुला और यहाँ पर क्या चालू है?
लड़कों का तो ठीक है, पर ये आजकल की लड़कियां ना, ए लड़की राजेश्वरी ये किस दुनिया में खो गई? भाई मेरे सूर्या, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? पहले इनका स्विच ऑफ करता हूं। ए, चल बस करना। ये सब क्या है? प्रोटोकॉल फॉर जेड कैटेगरी सर, सिक्योरिटी ऑफिसर, पीए एंड बॉडीगार्ड सर। ऐसे सिक्योरिटी कितने लोगों को देते आ रहे हो शहर में? गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है? महीने में 30 करोड़ सर, यानी साल के 360 करोड़ रुपए। सारी सिक्योरिटी निकाल दीजिए, एमपी एमएलए मुझे भी शामिल करते हुए। हिट लिस्ट में काफी लोग हैं सर जिनकी जान को खतरा है। अगर वो वाकई में सच्चा है, सेवा करने वाला है, तो हिट लिस्ट में नहीं होता। जनता के बीच घूमने वाले को अगर सिक्योरिटी चाहिए तो वो जनता को सिक्योरिटी कैसे देगा? बहुत सारे अधिकारी नेता की सिक्योरिटी का बहाना बनाकर सेटलमेंट और कब्जा कर रहे हैं। आज से इस शहर में सब कुछ बंद। आज से आपकी ये सिक्योरिटी कैंसिल सर। क्यों, किस लिए? आप अच्छे नेता हैं या बुरे नेता हैं? मैं अच्छा नेता हूँ। तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? कुत्ते के गले में बेल्ट ना हो तो उसे आवारा समझकर म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाते हैं। ये लोग भी वैसे ही हैं। तो कुत्ते के गले का बेल्ट हमें? तो ठीक है, हम जाते हैं। अब तू कुत्ते की ही मौत मरना, चलो रे चलो। अरे मैं तो मुहावरा बोल रहा था, तुम लोग नाराज हो गए। और एक ये है, पूरी सिटी को लीज पर लेकर हमें परेशान कर रहा है। सुनो साले साहब, जल्दी से बैंकॉक के लिए टिकट बुक कर दो, मैं 3 महीने फ्री हूँ। अगर हमारी एक सिनेमा ओपनिंग की प्रेस मीटिंग, फैक्ट्री ओपनिंग की प्रेस मीटिंग, एमएलए की प्रेस मीटिंग, किसी भी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस एक अहम किरदार निभाता है। किसी को कोई परेशानी हो तो पुलिस स्टेशन ना जाए, कोर्ट की सीढ़ी ना चढ़े, मुझे मैसेज भेजिए। मेरा नंबर है 9704706789। नो एफआईआर, नो कोर्ट, नो जजमेंट, ओनली पनिशमेंट। हमें क्यों बुलाया यहाँ पे? बताऊंगा तो सब हैरान हो जाओगे, तुम सबको नौकरी देने के लिए। अब कंधे पे खजूर सी शकल तो संभलती नहीं, तू क्या नौकरी देगा अपन को? परसों जगन की मीटिंग में अपन ने कितना हड़पा पता है देखो? 40,000 हड़पा। केसीआर की मीटिंग में 80,000। इतना ही नहीं, चंद्र बाबू के सत्याग्रह के बाद कितने मोबाइल और पर्स चुराए अपन को याद ही नहीं है। बिग शॉट्स के लिए ब्रोकर का काम करके लाखों में कमा रहे हैं, ऐसे में हमें तुम क्या नौकरी दोगे? मुझे देखकर तुम लोगों को हैरानी हो रही होगी, लेकिन एक सोने का शॉप भी लूट लूँ ना तो लाइफ लॉन्ग बैठकर खा सकता हूँ। बेनामी बेल्ट की दुकान चलाकर ही लाखों कमा लेते हैं, तुम हमें क्या नौकरी दोगे? एग्रीमेंट पर सब लोग दस्तखत कर लीजिए और ये एडवांस ले लीजिए। ऐसे टेढ़े लोग को एडवांस दे रहे, लगता है कुछ टेढ़ा ही काम होगा। बकवास बंद करो, दस्तखत करो। ऑटो तो लो चल लग रहा है बाबा, सामने है तो बातें क्यों कर रहा है? पैसे ले और दस्तखत करना। अपन का अंगूठा पे। वैसे हमें करना क्या है? जो तुम रोज करते हो, मर्डर, रेप, दारू, पिक पॉकेटिंग, चेन स्नैचिंग, ये बंद करना होगा। बंद नहीं किया तो? पता है जिस पर तुमने साइन किया उस पेपर में क्या लिखा है? तुम्हारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनके सारे राइट्स हमारे पास हैं। बाहर हमने कितने धोखे दिए, यहाँ धोखा मिलेगा सोचा नहीं था। मैंने पहले ही बोला था, अंगूठा लगवा रहे, पैसा दे रहे, कुछ तो लो चाहे बाबा। हेलो हेलो, ए पॉकेट मार, तुमसे लेके खून खराबे करने वालों तक सबके बारे में सब पता है, सारे धंधे पता है, सबके सब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इस धंधे में कुछ भी कर लो तो माफ कर देंगे, पर उनके खिलाफ जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। हमें नहीं चाहिए पैसे। काम देंगे बोले और पनिशमेंट दे रहे हो। बताया काम नहीं करने पर मैं मार भी सकता हूँ, ये क्यों समझ रहे हो? हाँ ठोक डालूंगा। अरे क्या, सिटी लीज होने पर बेल्ट की दुकान बंद हो जाएगी, नहीं पता था? हम गरीबों के पेट पर लात पड़ेगी सोचा नहीं था सर। अगर वो पेड़ है तो तुम उसकी जड़ हो, तुम लोगों को काट देंगे तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। जेब कतरी करोगे तो हाथ काटेंगे,
दारू बनाओगे तो पैर काटेंगे, मर्डर करोगे तो गले काटेंगे, बलात्कार करोगे तो काट देंगे। मुझे सारे डिटेल्स तुरंत चाहिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली या गलत हुई तो मेरे मुंह से बात नहीं निकलेगी, इसमें से गोली निकलेगी। ए, आज से ये विंग तेरी है। ठीक है यार, ठीक है सर। इतने नेटवर्क के बाद भी इस शहर में अगर छोटी से छोटी गलती हुई तो नो फ्रेंडशिप, ओनली पनिशमेंट। सर, भाई पप्पू पॉकेट मार बोल रहा है इधर से। सर, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए ऑफिसर्स औरतों को दिखाकर ज्यादा पैसा की डिमांड कर रहे हैं। ये सब भवानी आइलैंड में हो रहा है। नमस्ते सर। आ जाओ अंदर। तुम्हारा नाम क्या है? औरतों में तुम्हें किस टाइप की औरतें पसंद है? पद्मिनी टाइप। तो फिर मेरा नाम पद्मिनी ही है। तुम्हें देखते ही करने का मन कर रहा है। दस्तखत। उस रेंज में मैं हूँ क्या? सर, दस्तखत। 20 लाख के काम के लिए 50 लाख का दस्तखत कर रहा हूँ। और अच्छे से देखकर कीजिए सर, बहुत मजा आएगा सर। ज्यादा देखूंगा तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, वहाँ देखकर यहाँ कीजिए सर। एक है, 1 करोड़ का दस्तखत कर देता हूँ। इसके बाप का मार समझकर दस्तखत कर रहा है? चोर साला, निकल यहाँ से। क्यों, कोई बदतमीजी की क्या? करता तो भी चुप रहती क्या? मेरे सामने ही गवर्नमेंट का पैसा बाप के पैसों की तरह बांट रहा था। ये खुद को रोक नहीं पाई, टू द पॉइंट लात मारी। गवे, फिगर को देख के पेपर में फिगर बदल देगा। हाँ चल उठ। ये सीक्रेट कैमरा है, इसमें जो भी शूट हुआ है आप लोग ब्रेकिंग न्यूज में दिखा दीजिए। मैं जो कहने जा रहा हूँ रूल्स ब्रेक करने वाले रूल्स में दिखा दीजिए। सरकार का पैसा है, नहीं जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा है। आम आदमी के दिए एक एक पैसे का हिसाब हर अधिकारी और राजनेता को देना चाहिए। आज से रोड हो या बिल्डिंग हो, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कौन सा ऑफिसर सैंक्शन कर रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, उसका एड्रेस, फोन नंबर, हर एक चीज हर दिन बोर्ड पर रखनी पड़ेगी। दिए वक्त पर और बताए पैसों में अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है तो उससे संबंधित ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉपर्टी बेचकर उनको पूरा करवा दूंगा। ब्रेक द रूल्स, नो FIR, नो कोर्ट, नो जजमेंट, ओनली पनिशमेंट। तुम्हारे पापा और मेरे पापा को इस शहर के बड़े लोगों ने मारा है। MP, मेयर, कमिश्नर, कलेक्टर, ऐसे कई सारे विलन्स इस शहर में हैं। इनको निकाल फेंकना चाहिए। सेवा करने वाले लोगों को मार देंगे तो सेवा कौन करेगा? बाहर से आने वाला कोई NRI, बीज बोने से पहले हल चलाना जरूरी है। बेकार घास फूस को निकालना पड़ता है। इस शहर का खून चूसने वालों को निकाल फेंकने वाला किसान बनना पड़ेगा, और वो मैं बनूंगा, क्योंकि यहाँ सेवा की नहीं लड़ाई की जरूरत है। करप्ट सिस्टम पर सवाल उठाना जरूरी है। आजादी दिलाने वाले महात्मा का मर्डर यही हुआ था। यहाँ नेताओं को वोट चाहिए, अधिकारियों को पैसे चाहिए, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से चाहे 100 दोषी लोग बच जाएं, 1 निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यही कहा जाता है, हमारे देश में इंसाफ बेचा जा सकता है, धर्म खरीदा जा सकता है। राज्य के संविधान को अपने हिसाब से वोट के लिए लिखते गए, बदलते गए, इस्तेमाल करते रहे, हमारे कानून को अपने हिसाब से लिखवाते रहे। एक गलत काम जिसने किया वो इंसान आज की तारीख में 100 गलत काम कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में सजा का डर नहीं है। हमारे देश में रेप, मर्डर, किडनैप, लूटपाट, धोखेबाजी, मिलावट और घूसखोरी, क्राइम रेट बढ़ रहा है। किसी को भी डर नहीं। प्रजा का धन खाने पर कोई सजा नहीं। सरकार को धोखा देने पर कोई सजा नहीं। 2G स्कैम, 500 करोड़ का भालू, 1000 रुपए की लॉटरी, इन सब को सजा मिली क्या? किसी का कुछ नहीं हुआ। आधा हाथ काटने के बजाय पूरे हाथ को खत्म कर देता है हमारा सिस्टम। तुम्हारे पापा के सपने के लिए मैं सेवक बनूंगा, अपने पापा के लिए मैं सैनिक बनूंगा। अगर इंडिया का इतिहास उठाकर देखो तो PM का बेटा PM, CM का बेटा CM, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर और MLA का बेटा MLA बन रहा है, लेकिन एक भिखारी का बेटा भिखारी ही बनकर रह गया है। अगर इस सिस्टम को बदलना है तो पब्लिक के माइंडसेट को भी बदलना होगा। हमें अपने संविधान को संवारना जरूरी है। अगर इस सिस्टम में बदलाव चाहिए तो मारना होगा, चिल्लाना होगा, जरूरत पड़े तो स्पॉट जजमेंट, स्पॉट पनिशमेंट। पुलिस की कोई भी आदमी इज्जत नहीं करता, उन्हें कहा जाता है रिश्वतखोर और भ्रष्ट। पुलिस डिपार्टमेंट अगर सही रहता है तो देश सुधर जाएगा, वरना पूरी कंट्री भ्रष्ट हो जाएगी। पहले हमारा कानून नेहरू जी के गुलाब जैसा होता था, लेकिन इस समय पैसे वालों की चप्पल बन के रह गया है।
हमारा लॉ एंड ऑर्डर। नेता इलेक्शन कमीशन को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, बस उन पर रेड डलवा दो और अगर ज्यादा है तो सरकार के हवाले कर दो। स्पॉट जजमेंट स्पॉट पनिशमेंट होना चाहिए। गो अहेड, किसी भी लुटेरे को रिश्वतखोर को छोड़ना नहीं। बम से लोगों की जान लेते वक्त ये डर ये थरथराहट कहाँ चली गई थी? सन 1922 में इस्लाम मत का आयोजन हुआ था। इस्लाम यानी भगवान का बुलावा, कुरान यानी अल्लाह। सट्टेबाजी, बलात्कार, खून, दूसरे लोगों के साथ दुर्व्यवहार, ये सब महापाप हैं। ये पवित्र ग्रंथ कुरान में लिखा है, हमारे बीच में जो भी आएगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। लॉ को हिट करना है तो हिटलर बनना पड़ेगा। हिटलर जैसा ही रहना होगा, रहूंगा। फाइल्स लेकर आ जाओ। सर अगर आप ऑर्डर करें तो इस फाइल के एक एक मुजरिम को मैं धूल चटा दूंगा सर। क्या करोगे? कुत्ते की तरह मार मार के जेल में डाल दूंगा सर। हमारा टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट, जेल का खाना वेस्ट। तो जैसे बीवी के गले में मंगलसूत्र, वैसे पुलिस के पॉकेट में रिवॉल्वर। सिर्फ इसको क्लीन नहीं करना है, इसे इस्तेमाल करने से ये शहर क्लीन होगा। मतलब एनकाउंटर करना है? जिसकी 3 बार FIR दर्ज हो चुकी हो, वो गुंडा कितना भी बड़ा हो उसे उड़ा दो। पहले एनकाउंटर करने पर गोलियों का हिसाब देना पड़ता था, लेकिन अगर आप शूट नहीं करोगे तो शूट क्यों नहीं किया इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। हर रोज इस गन को साफ करता था, जो चीज काम की नहीं उसे साफ क्यों करूं, ऐसा सोचता था। रिटायर होने से पहले एक बार भी मौका मिल जाए मैं ये सोचते रहता था सर। सर कल ही रिटायर होने वाला हूँ सर, इसीलिए मैं आज के दिन ही इतने सालों की ड्यूटी कर लूंगा सर। मैंने कुछ गलत कहा सर? मेरे पापा की तरह बात करते हो। जज साहब, मैं अपनी सारी गलतियां कबूल करता हूँ, मुझे सजा देकर अंदर कर दीजिए सर। आप जब चाहेंगे कोर्ट आपका केस टेकअप नहीं कर सकता। सर जी मैं सारे गुनाह कबूल करता हूँ। असल में हुआ क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर, लेकिन आप हमें सजा नहीं देंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने वो मर्डर कैसे किया था इस लॉयर को मैंने अच्छी तरह बताया था सर। नमस्कार सर। कम ऑन सूर्या, आपके कानून में सिर्फ मारने वाले को नहीं तलवार बेचने वाले के लिए भी सजा लिखी है। तो फिर वो लोग जो गलत गवाही दिलवाते हैं, अपराधियों को बचाने वाले लॉयर्स को सजा क्यों नहीं होनी चाहिए सर? ऐसे लॉयर्स को भी सजा जरूर होनी चाहिए। एक बेगुनाह को बचाने के लिए लॉयर्स होने चाहिए, लेकिन दोषी को सजा से बचाने के लिए नहीं। वक्त की बर्बादी सर, इस सिटी को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाकर सोसाइटी को रिपेयर करना जरूरी है। हमारे देश के सभी पेंडिंग केसों पर फैसला लेने में कई साल लग जाएंगे। एक जज हूं तो मैं भले ही आपको इजाजत न दूं, पर आपने जो किया है उसके लिए एक नागरिक होने के नाते अभिनंदन करता हूं। गो अहेड। थैंक यू सर। वेलकम ऑफिसर्स। बचपन में ब्लैक मनी को मैं काले रंग वाले नोट समझता था, आज वो बात याद आती है तो हंसी आती है, लेकिन आज जब तुम लोगों को मैं देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। सरकार जितना तुम पर खर्च करती है तुम आधा काम भी नहीं करते। हम काम कर रहे हैं सर, पर सिस्टम ही ऐसा है और कानून में इतने पेच हैं कि चाहे खुद भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाएं, लेकिन वो करप्ट लोगों को सजा नहीं दिलवा सकते। ऐसा है तो तुम्हारे डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इस सिटी में कितने लोगों के पास काला धन है ये इन्फॉर्मेशन है तुम लोगों के पास? सब कुछ पता है पर पॉलिटिशियन बीच में आते हैं। तो फिर उन सब का नाको एनालिसिस टेस्ट क्यों नहीं करवा देते? उनके छुपे हुए पैसे ही नहीं बल्कि उनके किए हुए पाप भी उजागर हो जाएंगे। गो अहेड। ये पानी क्लीन कीजिए। अंडरग्राउंड जाइए। ये
You be the king of justice. You be the king of law. You suppress the injustice. You kill the corruption. मिलावटी दारू से धंधे की शुरुआत की, मिलावटी खनिज मिलावटी खाद से ऊपर आया, मिलावट करते करते लोगों की जान अपने धंधे में गिरवी रख के जितने करोड़ रुपए तू लूट सकता था तूने लूटे। चुनाव के पहले चुनावी मिनिस्टर को दी हुई तेरी प्रॉपर्टी की लिस्ट, तब तेरे नाम पर था 170,000, तेरे पत्नी के नाम पर 50,000, बेटे के नाम पर 25,000, 2 एम्बेसडर कार, 4 गाय 4 भैंस, पर आज तेरे पास कितना है ये सबको पता है। शहर में 20 करोड़ के 2 घर, शहर से बाहर 1,000 करोड़ जमीन, 5 लैंड क्रूजर्स, 500 किलो मणिपुरम गोल्ड, ये सब लोगों से लूटा हुआ ही है ना? लूटा हुआ है कि नहीं? बंदूक की नोक पे डराएगा तो क्या मैं लिख कर दे दूंगा? पहले प्रूफ दिखा। यही तो तुम लोगों का काम है। भगवान के सामने बोलते हो कि तुमने गलती की है, वो डर के कारण नहीं, भगवान कुछ करेंगे नहीं इस भरोसे पर। भगवत गीता का नाम लेते हो लेकिन एक बार भी सच नहीं बोलते, क्योंकि तुम भगवान से भी नहीं डरते हो। तो ऐसे लोग भगवत गीता से क्या डरेंगे? भगवत गीता में क्या कहा याद है ना? मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है। अब तेरे साथ ना तो कोई नेता आएगा ना तेरे पैसे आएंगे। ये सब जानकर भी तू कुत्ते की मौत मरना चाहता है? बोल। मैंने जो कुछ भी लूटा वो लिख कर दे दूंगा। नहीं नहीं। तो इन पेपर्स पर साइन कर दे। कर दो। गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा सुना था मैंने। जब दुर्गा माता से विनती की जाती है तो वो माफ कर देती है, लेकिन मैं नहीं करता। तुम? मैं ही हूँ तेरी मौत। बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का चेयरमैन है, स्विस बैंक का कस्टमर है, करोड़ों रुपए का घपला किया है, जवाब देने वाला कोई नहीं, पूछने वाला भी कोई नहीं। कंपनी पर भरोसा करने वालों को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है, शेयर्स लेने वालों को डुबा दिया, तूने जो पैसे लूटे विदेशी बैंकों में जाकर छुपा दिए, और यहाँ पर तू पैक पर पैक पिए जा रहा है। विदेशी बैंकों में जो पैसे छुपाए हैं वो लोगों की आंखों में दिखाई देते हैं। चल बता बता तेरा अकाउंट नंबर क्या है? मैं क्यों बताऊं तुझे, हमने जो लूटा है छुपाया खुद के लिए किया। पैदा हुआ भारत में, बड़ा हुआ भारत में, कमाए भी भारत देश में, पर तू पैसे छुपाता है स्विस बैंक में, तो चल मर जा। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। इस जन्म में तेरी मौत ही स्ट्रेंथ बन गई है और पैसा बना है वीकनेस। तूने जो स्विस बैंक में छुपा कर रखा है वो वापस लेकर आऊंगा, रिजर्व बैंक में लेकर आऊंगा। अगर धर्म मूर्ति ही इंसाफ नहीं करेंगे तो आम आदमी का क्या हाल होगा? हेलो सर, दिस इज सूर्या, आईपीएस। टेल मी सूर्या। एक इंसान के अकाउंट से संबंधित स्विस बैंक का कोड मिला है सर, उसमें 25,000 करोड़ हैं। इज इट? वो सारा पैसा। आई ट्रांसफर दैट मनी टू द रिजर्व बैंक। ओके। जानता हूँ कि आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप जैसे लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए स्विस बैंक का कोड ओपन करते समय हमारे देश के सारे लोगों को ये जो पैसा रिजर्व बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं वो टीवी चैनल्स के जरिए देश की जनता को दिखाया जाना चाहिए। ओके सूर्या। में ऐसी बहुत सी चीजें हैं Hats off, सूर्या। यहाँ बैठे बैठे लैपटॉप से किसी और के स्विस बैंक अकाउंट नंबर को ओपन कर 25,000 करोड़ रुपयों को ट्रांसफर किया सूर्या ने। विजयवाड़ा में एक ही इंसान के पास इतनी बड़ी रकम का मिलना आश्चर्य की बात है।
पहले कई बड़े बड़े ऑफिसर्स जो काम नहीं कर पाए, आपने ये कैसे कर लिया सर? हर दिन 18 घंटे काम करने के बाद भी भूख से परेशान है एक गरीब आदमी। सैलरी आने से पहले जिसका टैक्स कट जाता है उसका, ये सब पैसा एक माँ का है, बहन का है, भाई का है, बाप का है, और ऑल हर एक हिंदुस्तानी का है। कम से कम अब तो जाग जाओ, सिर्फ अपना ही नहीं देखना होगा, साथ ही ईमानदार है या नहीं ये भी देखना होगा। बेईमानी के होते हुए इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये सोचने की जगह नाक बंद करके तपस्या क्यों कर रहा है? भाई भाई ये क्या हाल बना रखा है भाई, जब देखो मारते रहता है। चुप, ये इतने दिनों से तपस्या कर रहा था हमें मारने के लिए। दुर्गा माता की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। ए लॉयर, बेल मिला? मिला ना, बाहर जाने के लिए नहीं, ऊपर जाने के लिए। फांसी की सजा कन्फर्म है। जगत माता ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, हमें मृत्यु नाम के मोक्ष को प्रदान किया है। जय माता दुर्गा भवानी। सारे प्रेस वालों को मेरा प्रणाम। ऐसे नीच लोग मिलेंगे तो दोबारा जीने का मन करेगा, खून करने का मन करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी के अभी आप लोग जाकर हमें फांसी पर चढ़ाने के लिए सरकार से कहिए। हे माँ दुर्गा, हमारी मृत्यु को पोस्टपोन मत करना। बापरी, मैंने भाई से पूरी बात कर ली है। अपने अपने हाथों में जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर है उनको बुला लो। सूर्य के खिलाफ उनके कॉलेज के पास रास्ता रोको, दंगा करो, सत्याग्रह करने को बोल दो। ए सूर्य, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम लोग अपने आप को चला देंगे। प्लीज को रद्द करो, 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 प्लीज को रद्द करो। सूर्य, सूर्य ये मेरा बेटा है। सूर्य ये बेटा है मेरा, छोड़ दे। तेरा बेटा है तो अलग, दूसरे का बेटा है तो अलग। बदमाश, आज तक कभी भी कहीं भी इनके किए धरने पर तुम जैसे स्टूडेंट्स ने ही अपनी जान दी है, पर तुम लोगों के लिए आज ये मरेगा। नहीं सूर्य, मरेगा ना? ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। रुक जाओ, रुक जाओ। देखा, अपने बेटे की बारी आई तो कैसे डर गया। जान लो अब तो इनके असली चेहरे, पहचान लो। पढ़ाई करके अच्छे लेवल पर पहुंचना चाहिए, इन जैसे लोगों के हथियार मत बनो। दंगों में आम आदमी नहीं फंसना चाहिए, जनता को नहीं मरना चाहिए। उसी दिन दंगे बंद होंगे। अगर कोई दंगे भड़काता है तो उस पर पलटवार किया जाना चाहिए। आज के समय की यही मांग है, ऐसे लोगों को मरना चाहिए। सूर्य, 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 पैसे लेकर उसके लिए जिंदाबाद बोलते हो? बंद करो, तुम्हें भी नहीं चाहिए और तेरा पैसा भी नहीं। एक और बार कैंपस में कदम भी रखा तो पेट्रोल डालकर जला दूंगा। सूर्य, जय भवानी, दुर्गा भवानी माते, आप डालिए। माता ने मुझे माफ कर दिया। नमस्ते, श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी के केस में 5 दोषियों को फांसी देते वक्त बलराम जाधव का फांसी का फंदा टूट गया, इसलिए तय समय पर उनकी मौत नहीं हो पाई और वो जिंदा बच गए। ऐसी अनहोनी इतिहास में पहली बार होने की वजह से राष्ट्रपति द्वारा माफी के लायक है ऐसा मानकर उन्हें रिहा कर दिया गया।
कुछ लोग लॉयर को खरीद कर जीतते हैं और कुछ लोग जज को खरीद कर केस जीतते हैं, पर मैंने जल्लाद को खरीद कर मौत से बाहर निकला। स्वागत है आपका, स्वागत है, आइए। इस फांसी के फंदे में स्टील स्प्रिंग रखकर इसे तैयार करूंगा। गले में इसके टाइट होने का चांस नहीं और इंसान नहीं मरता। सही वक्त पर रस्सी टूट जाए ऐसा मैं बंदोबस्त कर दूंगा। ये 5 करोड़ तुम्हारे ही है, ले लो एंजॉय करो। बैलेंस हो गया, तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया और मैंने उसके बदले तुम्हें मरण दिया। इसकी लाश को गहरा गड्ढा खोदकर दफना दो, सबूत मिलना नहीं चाहिए। जय भवानी, दुर्गा भवानी। आप लोगों का जो यज्ञ चल रहा है अद्भुत है, महा अद्भुत है। सूर्या, मैं बदल गया हूँ, तुम्हारे जैसे ही सेवा करूंगा। लोक कल्याण के लिए मुझे भी सेवा करनी है। सांप डसना नहीं छोड़ता, पहले तुम इसे देखो। तुझ जैसे इंसान का बदलना नामुमकिन है। जनता के हाथों की मौत मरने के लिए ही तू फांसी से बचकर आया है। मैडम ने बिल्कुल सही कहा है, शेर शिकार करना नहीं भूलता। मेरे जैसा इंसान साइलेंट नहीं हो सकता। ये विजयवाड़ा सिटी मेरी है। मैं सर कटाने वालों में से नहीं हूँ, सर काटने वाला हूँ। ए सूर्या, तू गोल्डन सिटी बनाना चाहता था ना? मैं रोल्ड गोल्ड सिटी बना दूंगा। एक शैतान को अच्छी सोच आती है तो वो मैं हूँ, अगर भगवान की अच्छी सोच आती है तो वो तुम लोग हो। जय भवानी। शराब गुलाम और जात पागल बना देती है, पर इसका गुस्सा तो लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। तो हम जो मैनिफेस्टो शुरू करना चाहते थे, जिस राज्य को बदलना चाहते थे, उसे सबके सामने लाना होगा। उसे सुनकर पब्लिक में बदलाव शुरू होना चाहिए। आपको जो कुछ भी करना है 3 दिन में करना पड़ेगा, लेकिन 3 दिन में आप क्या कर सकते हैं? अगर हमारी सोच आपके साथ मिल जाती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को हम नहीं बदल सकते। लोकपाल बिल लाने के लिए अन्ना हजारे को लोगों का सपोर्ट पूरी तरह से मिला था। देश में एक आंदोलन सा चल पड़ा था, सरकार सोचने लगी थी। जितनी भी पार्टियां आई, जितनी भी सरकारें बनी, वो सब देश को कैसे लूटा जाए ये सिखाकर चली गईं। पॉलिटिकल लीडर सरकार लोगों को धोखा देती ही रही। दोषी को डर नहीं, धोखेबाजों की कमी नहीं है। टोटल सिस्टम इज बैड। सिस्टम के साथ लड़ने के अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इस सिस्टम से मेरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। बट माई वॉर इज ऑन द सिस्टम, नाउ इट्स बिगिनिंग। जीना कैसे चाहिए बताती है भगवद गीता, रहना कैसे बताता संविधान। पहले लिखे संविधान को आज समाने की जरूरत है, आज समय की मांग है। ये लोगों का लिखा हुआ संविधान चाहिए जो कि नेताओं के लिए भगवद गीता बने। इन बचे हुए 3 दिनों में हमें मैनिफेस्टो की मदद से पब्लिक को सारी जानकारी देनी होगी, क्योंकि सिटी लीज फिनिश होने के बाद सब कुछ जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। इस संविधान को लोग ही लिखेंगे, सरकार को उसे अमल करना होगा। आप जैसे IPS और IAS लोग जो डिसाइड करेंगे, ये मैनिफेस्टो संविधान में 4 चांद लगा देगा। ये विजयवाड़ा सिटी रोल मॉडल बनना चाहिए। ब्रेक द रूल्स, मेक द रूल्स। इलेक्शन को बंद करने को कहते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये कौन है भाई? इलेक्शन में खड़े रहने के लिए एजुकेशन की जरूरत है, कितनी बकवास बात है। मुझे दस्तखत सीखने के लिए 1 साल लग गया था भाई। अगर रिश्वत के आरोप प्रूव हो जाते हैं तो जायदाद में से 90% वो जब्त कर लेगा। आप उसे रोको भाई। क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, राजनेता हो, उन्हें बड़ा कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। लोगों में वो शहद जैसे घुल मिल रहा है, ऐसी उसकी फीलिंग है, लेकिन हम खून चूसने वाले चौंक हैं। ये बात उसे और उस पर भरोसा करने वाले लोगों को दिखाते हैं। हेलो हेलो सूर्या को तुम अपने साथ लेकर आओ। मेरे साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार किया है ना, अगर नहीं लाई तो उसी मैनिफेस्टो में उन्हीं लोगों के बीच बम ब्लास्ट होगा। सूर्या, कम विद मी।
शुक्रिया। हम लोग जो मैनोफेस्टो करने वाले हैं, उसकी वजह से हजारों लोग मारे जाएंगे, इसने ऐसी धमकी दी है। पहले तुम इसे देखो, इसका दिमाग घूम कर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, इतना मारो। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। ए, जब से तेरे मेरे बीच में दुश्मनी शुरू हुई, हर मिनट में तेरे बारे में ही सोचता हूँ। तू कहीं और बम मत लगा, तेरे बगल में ही रखा हुआ है बम। कमीने, एमआरओ को, इनके पापा को, आखिर में जल्लाद को भी मारने के सबूतों को, होने वाले मैनिफेस्टो में तू जो करने जा रहा है ना ब्लास्ट, उसकी जानकारी पूरा इकट्ठा करके सूर्या को बताने वाला मैं हूँ। प्रभाकर, क्या करने जा रहे हैं बता दे। सर, आपने जो मैनिफेस्टो रखा है ना, उसके संबंध में जो एक महासभा होने वाली है ना सर, उसमें कम से कम 2000 लोगों को मारने का प्लान बनाया गया है। सूर्या, खत्म कर दो इस कमीने को। हो गया क्या? ऑलरेडी एक बार मर के जिंदा हुआ हूँ मैं, मौत से डर नहीं लगता। एक चींटी आगे बढ़ती तो हजारों चींटियां उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। ये उनके बीच की एकता है। लेकिन जब एक भेड़ खाई में जाती है तो बाकी भी उसके पीछे चल देती हैं। ये उनकी एकता नहीं है, उनकी नादानी है। आप जैसे लोगों का साथ पाकर लीडर्स और पॉलिटिशियंस आप ही लोगों को भेड़ समझते हैं। वो आप लोगों को लूट रहे और लूट लूट के थक गए हैं, लेकिन आप लोग धोखा खाते हुए नहीं थके हैं। समझौता करने की आदत बन गई है तुम लोगों को। कितने गरीब बनोगे तुम लोग? कब बदलोगे? बदलोगे या नहीं? जब कोयले को जलाया जाता है तो आग बन जाता है, समंदर आपा खोता है तो प्रलय आ जाता है, और अगर धरती फटती है तो भूकंप, अगर आकाश फटेगा तो तूफान, हवा घूमने लगे तो आंधी, आंधी। तो ये गुण तुम में नहीं है क्या? त्रेता युग में सिर्फ रावण एक विलन था, द्वापर युग में 101 कौरव विलन्स थे, पर इस कलयुग में ऐसे रावण और नरकासुर बहुत सारे लोग हैं। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो लोग सवाल करने वाले होने चाहिए, ऐसे भीख मांगने वाले नहीं। सालों पहले लिखे संविधान में बदलाव नहीं आया, तो जब तक ये दुनिया है हमें ऐसे ही मरते मरते जीना होगा। हमें जो चाहिए हमें ही लिखना होगा, और उसके लिए सरकार पर दबाव डालना होगा, और वो सब अमल करके कानून में लाना चाहिए। संविधान में ऐसे बदलाव के लिए आज ही, अभी ही इस बात पर सोचना होगा। आज ही इसी वक्त पब्लिक में, पब्लिक के सामने प्रजा मैनिफेस्टो हमें ही तैयार करना होगा, नए संविधान को तैयार करना होगा। संविधान के बदलाव के इस महायज्ञ को इसी की बलि के साथ शुरू करते हैं, तब ये विजयवाड़ा का पूरा शहर का शहर त्योहार मनाएगा। मुझे मत मारो, सूर्या, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मुझे मत मारो, सूर्या, सूर्या, मुझे मुझे मत मारो, इस नहीं, इस नहीं।
मारना सोल्यूशन नहीं है, संविधान को संवारना ही रेवोल्यूशन है, वही फाइनल डेस्टिनेशन है।